वेलकम स्टूडेंट्स इन द केमिस्ट्री क्लास क्लास 12th। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम कुछ पॉइंट्स को यहाँ स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो कि हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, पोजिशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, सीरीज इन 3D, 4D एंड 5D सीरीज फॉर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एंड देन ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द पोजिशन ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, देयर इंट्रोडक्शन एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। As the name implies, these are having last electron entered in the d orbitals of last but one orbit. So these are known as the d block elements. And these are present between s block and p block elements. And so their properties are having the trait as in between the metals and non-metals, because on one side there are metals, on second side there are non-metals, and in the center are the d block elements. So these are having the properties in between metal and non-metals. And these act as the bridge. एक साइड मेटल्स है, एक साइड नॉन मेटल्स है, दोनों के बीच में ये ब्रिज का काम करते हैं. So these are known as the transition element. क्योंकि ये मेटेलिक करेक्टर को नॉन मेटेलिक करेक्टर में इनके थ्रू चेंज होते हुए दिखाता है, और इनके थ्रू मेटेलिक करेक्टर नॉन मेटेलिक करेक्टर में चेंज होता हुआ लगता है. एक साइड मेटल्स है, दूसरी साइड नॉन मेटल्स है. अब हम इनको पीरियोडिक टेबल में स्टडी करेंगे कि किस तरीके से इनकी क्या पोजीशन है. एज वी सी द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स. इजी स्टडी करने के लिए और सिस्टमेटिक वे में एलिमेंट्स को समझने के लिए पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है. एस ब्लॉक एलिमेंट्स which are metals, these are present in group number 1 and 2. Second number are p block elements, these are mostly non-metals along with some metals and metalloids. Third number are d block elements in group 3 to 12. Between s block and p block elements are d block elements in yellow color. These are shown. These are acting as the bridge between s block elements, metals and non metals. So these are also named as transition elements. क्योंकि एक तरफ metals हैं इसके और एक तरफ non metals हैं, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स मेटेलिक करेक्टर और नॉन मेटेलिक करेक्टर के एलिमेंट्स के बीच में एक ब्रिज का काम कर रहा है, इसलिए इनका नाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा गया है. फोर्थ टाइप ऑफ ब्लॉक इज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जो कि मेन पीरियोडिक टेबल के नीचे 14 एलिमेंट्स की दो सीरीज है, सीरियम टू ल्यूटेशियम एंड थोरियम टू लॉरेंशियम. And these are named as inner transition elements. So, इस तरीके से D block elements जो कि yellow color में show किए गए हैं, इनको हमें study करना है इस chapter में. इस तरह से हमने study किया कि transition elements में अलग अलग series present हैं. Number one is the 3D series, 4D series, 5D series एंड 6D सीरीज.
फर्स्ट 3D सीरीज स्टार्ट फ्रॉम स्कैंडियम 21 टू जिंक 30. सेकेंड सीरीज 4D सीरीज स्टार्ट फ्रॉम आईटीएम टू कैडमियम. 5D सीरीज स्टार्ट फ्रॉम लेंथेनम 57 एंड देन हफनियम टू मर्करी 80. एंड 6D सीरीज दैट इज हैविंग द एक्टिनियम 89 एंड देन RF2 CN. So these are four series in D block elements, transition elements. In transition elements, when we study the electronic configuration in mainly 3D series, first element is scandium 21. So it is having configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 जो कि कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन है, then 4s2, this configuration is up to the 20 atomic number. Now after filling of the 4s, 3d electrons are entered one by one. अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि 3D में इलेक्ट्रॉन 4s के बाद एंटर क्यों कर रहे हैं, और इसके लिए हमें ध्यान लेना पड़ेगा अफबाउ प्रिंसिपल, अफबाउ रूल, जिसके अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में फिल होते हैं इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी. सो वी नो दैट द एनर्जी ऑफ 3D इज मोर देन 4s, सो इलेक्ट्रॉन्स इन 3D आर एंटर्ड लेटर देन 4s. और इसके लिए एनर्जी लेवल को समझाने के लिए हमारे पास रूल है एज पर अपर रूल n प्लस l रूल. इस बेस पर हमने इसको समझ सकते हैं कि 4s की एनर्जी 3d से लेस क्यों है. तो अकॉर्डिंग टू n प्लस l रूल 4s इज हैविंग n प्लस l वैल्यू इक्वल टू 4 एंड 3d 3D is having value n plus l 3 plus 2 equal to 5. So according to n plus l rule, जिसकी value ज्यादा होगी वो उसकी energy higher होगी. इसलिए 4s की energy lesser है 3D से. तो electron 4s में last orbit में means 4s orbitals में enter कर चुके हैं, but उसके बाद उसके अंदर पेनल्टीमेट ऑर्बिट थर्ड नंबर उसमें इलेक्ट्रॉन की एंट्री 1/1 हो रही है. तो इस तरीके से स्कैंडियम से 22, तो यहां पर ये 3D 1 की जगह क्या होगा 3D 2 और 3D 3, 3D 4, 3D 5. इस तरीके से डी में इलेक्ट्रॉन जब तक एंटर करते जाएंगे जब तक कि पूरे 10 नहीं हो जाएंगे. सो इन द लास्ट इन केस ऑफ सम एग्जाम्पल्स इट मे हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन 4s1 इंस्टेड ऑफ 4s2 इन केस ऑफ एलिमेंट विद 24 एटोमिक नंबर विच इज क्रोमियम द कॉन्फिगुरेशन मस्ट बी ऑर्गन इट इज हैविंग द स्टेबल कॉन्फिगुरेशन अप टू 3p6 4s1 3D 5 is the configuration instead of AR 4S2 3D 4. यहां पर ये एबनॉर्मेलिटी दिखाई देती है और इसका रीजन है कि D ऑर्बिटल्स कंप्लीटली हाफ फील्ड है यहां पर और हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है. सो वन इलेक्ट्रॉन 4S से 3D में जंप कर जाता है और कॉन्फ़िगरेशन दैट इज नोन कॉन्फ़िगरेशन फॉर क्रोमियम. इन द सेम वे इलेक्ट्रॉन्स आर एंटर्ड इन डी अप टू द 10.
अगेन इन एलिमेंट कॉपर विथ 29 कॉन्फिगरेशन Ar4S1 3D10 होती है इंस्टेड ऑफ Ar ऑर्गन 4S2 3D9। यहां फिर से 4S1 है और 4S1 क्यों है इन प्लेस ऑफ 4S2 बिकॉज 3D इज हैविंग द कॉन्फिगरेशन स्टेबल इफ वन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम 4S2 3D। सो दिस कॉन्फिगरेशन इज द मेन कॉन्फिगरेशन फॉर कॉपर। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात हमारे सामने आती है कि डी ऑर्बिटल्स जो है वो इनकम्प्लीट है किसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स में 21 to 30 1 by 1 डी ऑर्बिटल्स एंटर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका मतलब कि डी जो है यहां इनकम्प्लीट होंगे। इन द सेम वे 4D सीरीज उसमें 4D में इलेक्ट्रॉन्स 1 by 1 एंटर करेंगे, तो एक पहचान हो गई ट्रांजिशन एलिमेंट्स की पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स मींस ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर द एलिमेंट्स विच आर हैविंग पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। इट मींस क्या हम ये कह सकते हैं कि जिनके पास पार्शियली फिल्ड डी नहीं है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, और जिनके पास ट्रांजिशन एलिमेंट जैसी प्रॉपर्टी नहीं है फिर भी वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहला रहे हैं? तो उसके लिए हमारे सामने दो क्वेश्चन आते हैं। नंबर वन, जिंक कैडमियम HG जिनकी कॉन्फिगरेशन है 3D10 4D10 एंड 5D10 दीज आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, इनको हमें ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहना चाहिए। क्यों? बिकॉज दीज आर नॉट हैविंग पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, बट क्योंकि इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल्स में एंटर कर रहे हैं और लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में 4D में एंटर किया है, सो इनको हम कह सकते हैं कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट है क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी ट्रांजिशन एलिमेंट से काफी ज्यादा मिलती है और लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल्स में एंटर करता है, दैट्स व्हाई हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। माने नहीं जा सकते बट हैं। इन द सेम वे वन मोर क्वेश्चन कि सेकेंड वाला पॉइंट जो हम लेंगे वो क्या होगा, कॉपर सिल्वर गोल्ड दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, व्हाई इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं जबकि ये मेटल हैं, काफी सारी प्रॉपर्टीज में ये अलग हैं, तो इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी जो मोस्ट स्टेबल आयनिक स्टेट है Au+3 गोल्ड सिल्वर दीज आर हैविंग पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। कॉपर इज हैविंग 3D9। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट वो है जिनके पास या तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर उनकी नेचुरल मेटेलिक स्टेट में पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हो। रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जब तक डी में इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं हुआ है तब तक इसकी हायर एनर्जी है 4s से, लेकिन जैसे ही डी में एक भी इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाता है ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक इंट्रेक्शन होंगे उनके कारण इसकी एनर्जी कम हो जाएगी और इसको हम लिखेंगे Ar3D5 4S1, इस तरह से भी उसको कह सकते हैं। तो ये कॉन्फिगुरेशन में ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा सबसे पहले 4s से होगा उसके बाद 3d से, तो इसके केस में क्रोमियम प्लस 3 आयन की कंडीशन में देयर इज द लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो सबसे पहले यहां का इलेक्ट्रॉन लॉस होगा उसके बाद 3d में से, तो कॉन्फिगुरेशन क्या बनेगी 3d3 ओनली। इन केस ऑफ आयरन Fe इज हैविंग कॉन्फिगुरेशन Ar आर्गन 3D6 4S2
तो ये कॉन्फ़िगरेशन में इसका आयनिक स्टेट Fe+2, इसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d6, मींस इसके अंदर d ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जिनको हम शो कर सकते हैं इस तरीके से कि देयर आर 5 ऑर्बिटल्स, 1 इलेक्ट्रॉन इन ईच फर्स्ट एंड देन इट इज हैविंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड Fe+3 विल बी AR ऑर्गन 3d5 एंड इट इज हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री भी 3d में 4s के बाद होगी, साथ ही साथ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 3d से 4s के बाद होगा, और आयनिक स्टेट बनाते हुए हमें इन कॉन्फ़िगरेशन को समझना होगा। तो ये है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिनके कॉन्फ़िगरेशन, जिनका पोजीशन, ये हम इसको डिस्कस कर चुके हैं।